जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करते हैं 18 महीने के डीए के एरियर के ऊपर कंफ्यूजन खत्म, बड़ा आया अपडेट। दोस्तों दूसरी बड़ी बात करते हैं आर्मी के नाम पर ठगी, अनोखा खेल, सावधान रहें जवान। और तीसरी, रक्षा मंत्रालय ने जवानों और उनके परिवारों के लिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलने की घोषणा। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जो आज की खबर है, अभी की खबर है दोस्तों, उसमें लिखा है महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर न हो कंफ्यूज, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आया बड़ा अपडेट। आप ये खबर देख सकते हो, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका डीए 18 महीने का रुका हुआ था कोविड-19 का हवाला देखकर। इसके ऊपर आज तक रोज कुछ न कुछ नई खबरें बन के आती हैं कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका यहाँ केस चल रहा है और इसका यहाँ केस चल रहा है, इसका फलाने जगह ने फलाना स्टेटमेंट दिया, ये सब चीज है बंद। इस पर फुल स्टॉप उन्होंने लगा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फाइनेंस मिनिस्ट्री का लोकसभा में एक बयान आया था कि ये कभी भविष्य मिलेगा नहीं, तो ऐसी भ्रामक खबरों से रहें दूर। 18 महीने का एरियर का जो टॉपिक है वो हो रहा है बंद। दोस्तों हम करते हैं इसका स्वागत, कन्फ्यूजन हुआ खत्म। दूसरी बात, बड़ी बात करते हैं दोस्तों, उसमें लिखा है कि आर्मी के नाम पर ठगी, अनोखा खेल। दोस्तों आप एक वॉइस सुन सकते हैं, आप आओ अपना सामान उठा के ले जाओ, ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं कौन नंबर दूंगा सर, आप उधर जाके डाल दो, मैं आर्मी वालों पे यकीन करता हूँ। सर आएंगे तो जल्दी आपको पेमेंट तो करा के निकलेंगे ना सर। कोई बात नहीं, आप खाना ले जाओ, पेमेंट बाद में डाल देना, कोई टेंशन नहीं है सर। सर 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 मेरी बात सुनो आप एक ध्यान से, सर ये फ्रॉड नहीं चलेंगे जम्मू में, ये बात तो सही सर, लेकिन तो जिसमें अब लोग आर्मी के नाम पर ठगी के बहुत तरीके थे, आपने OLX पे देखा होगा, स्कूटी देखा होगा, बाइक आपने देखा होगा, कोई ड्रेस पहन के किसी को ठग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी ठगने का जम्मू में एक ऐसा तरीका है कि वहां जवान बन के बोलते भैया शाम को हमारे सेक्शन में पार्टी है, 20 लोगों का खाना रखना है, और खाने के लिए किसी सिविलियन को भेजते, बोला ठीक है सर मैं पेमेंट कर देता हूँ, कोई बंदा आएगा पैक करके रखना ले जाएगा, और बात करते हैं आप मुझे अकाउंट नंबर दे दीजिए। यानी अब अकाउंट नंबर देने से इतनी चीज की ठगी हो सकती है। होटल वाले ने बोला मैं 2 बार ठग चुका हूं, मैं हो गया अलर्ट, मैं सभी फौजियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी चीजें आपके नाम पे हो रही हैं, कहीं आपके साथ कोई ऐसी साजिश ना हो, तो आप ये वीडियो ये JNDK का जम्मू प्रॉपर सिटी का जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। यानी हमने अकाउंट नंबर भी शेयर नहीं करना, आप किसी को भी अपनी पेस्लिप दे तो प्लीज अकाउंट नंबर को हाइड करके रखें, किसी को भेजने की जरूरत नहीं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर की रक्षा मंत्रालय की एक बहुत बड़ी सौगात, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेद का बहुत बढ़ावा चल रहा है, योग और आयुर्वेद इसके ऊपर काफी जोर देते हुए आप ये देख सकते हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल है हमारे, चाहे RR हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल है, कमांड्स हॉस्पिटल है, उनमें आपको एक आयुष मंत्रालय की तरफ से एक शाखा मिलेगी जिसमें आयुर्वेद के इलाज किया जाएगा, जो कि बहुत सारे लाइफ टाइम डिजीज है उनमें बड़ा कारगर होता है। एक लंबी लाइफ जिंदगी जीवन जीने के लिए जैसे हम सोचते हैं कि आयुर्वेदिक प्रणाली जरूरत है, उसके लिए हम आप लाभ उठा सकते हैं, जवान उठाएं और उनके जो भी डिपेंडेंस हैं, फैमिली हैं, पेंशन से सबको लाभ मिलेगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद।